और इस वक्त की बड़ी खबर, लालू यादव को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। लालू को मिली 6 हफ्ते की जमानत। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई है और लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर प्रोविजनल बेल 6 हफ्ते की मिली है। लालू ने इलाज के लिए मांगी थी प्रोविजनल बेल, तो कह सकते हैं हाईकोर्ट से बड़ी राहत। लालू प्रसाद यादव को 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल लालू प्रसाद यादव को मिल गई है। अर्जी लगाई थी मेडिकल ग्राउंड को लेकर बेल के लिए और ये अर्जी स्वीकार कर ली है झारखंड हाईकोर्ट ने और लालू प्रसाद यादव को 6 हफ्ते के लिए प्रोविजनल बेल मिल गई है। हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ गए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। कुंदन जी, कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ी राहत है, इतने दिनों से जो मेडिकल ग्राउंड पर अर्जी दाखिल की गई थी झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया, 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल लालू प्रसाद यादव को मिल गई है। कुंदन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें कि कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। लालू ने मुंबई, बेंगलुरु और मेदांता में इलाज के लिए बेल मांगी है। 6 सप्ताह के लिए प्रोविजनल बेल लालू प्रसाद यादव को मिल गई। झारखंड हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर लालू प्रसाद यादव को ये बेल दी है। लालू यादव ने कहा था कि उन्हें बीमारी है, उनकी जान को खतरा है और इसके लिए इलाज के लिए उन्होंने लगातार झारखंड हाईकोर्ट से अपील कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर भी हमेशा हाई रहता है लालू प्रसाद यादव का, तो ऐसे में तमाम बीमारियों का हवाला देते हुए मेडिकल ग्राउंड पर बेल की अर्जी दाखिल की गई थी और इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है झारखंड हाईकोर्ट ने और प्रोविजनल बेल 6 सप्ताह की लालू प्रसाद यादव को मिल गई। आपको बता दें कि पेरोल पर लालू प्रसाद यादव को 3 दिन के लिए, लालू प्रसाद यादव अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए फिलहाल पहुंचे हुए हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि राहत की खबर है क्योंकि अब 6 हफ्ते तक इलाज के लिए प्रोविजनल बेल लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट ने दे दी है। चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में हाईकोर्ट ने जो जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद लालू प्रसाद की तरफ से प्रोविजनल बेल पिटीशन दायर की गई थी जिसमें बीमारियों के इलाज के लिए 3 महीने की प्रोविजनल बेल की मांग की गई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव को अब 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से मिली है। रिम्स रांची में भर्ती लालू थे, लालू प्रसाद यादव एम्स भेजा गया था पहले इलाज के लिए, फिर रिम्स लाया गया, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव को पेरोल मिला है 3 दिन का। अपने बेटे, बड़े बेटे की शादी, उनके तेज प्रताप यादव की शादी होनी है कल यानी कि 12 मई को, ऐसे में पेरोल पर लालू प्रसाद यादव शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर और राहत की खबर कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव के लिए कि उनको 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल झारखंड हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दे दी है। एक बार फिर से हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को पेरोल पर फिलहाल बाहर आए हुए हैं 3 दिन के लिए अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए, अब झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दिया, लालू प्रसाद यादव को 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल लालू प्रसाद यादव को मिल गई है। देखिए अंजलि, बहुत पुरानी कहावत है, मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है और जब खुशियां आती हैं तो छप्पर फाड़ कर आती है। जिस तरीके से कल राजद के पूरे परिवार के लिए और खासकर के लालू प्रसाद के परिवार के लिए कल दोहरी खुशी की बात थी कि तेज प्रताप की शादी, बड़े सुपुत्र लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप की शादी के लिए उन्हें 3 दिन का पैरोल मिला था और अब आज शादी कल है 12 तारीख को और आज 11 तारीख को उन्हें 6 महीने की प्रोविजनल बेल औपबंधिक जमानत मिल गई है झारखंड हाईकोर्ट से। और लिहाजा इस तरीके से अगर देखें तो यह लालू प्रसाद यादव के लिए खुद व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर और पार्टी के तौर पर बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर मानी जा सकती है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में अपने स्वास्थ्य कारणों से 12 सप्ताह का बेल मांगा था। उस बेल की पैरवी के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाया गया था जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत में पैरवी करने के लिए और जहां आज लालू प्रसाद यादव को 6 सप्ताह की औपबंधिक जमानत मिली है, उसी के साथ एक बड़ी खबर यह है कि अदालत की अवमानना का जो केस चल रहा था रघुवंश प्रसाद, शिवानंद तिवारी, मनीष तिवारी और इसके साथ तेजस्वी यादव के ऊपर,
इस केस को भी जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। जी, जी, तो जी, आज झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव के लिए दोहरी खुशी आई है। अवमानना का केस खारिज हो गया है और लालू प्रसाद यादव को स्वास्थ्य कारणों से 6 सप्ताह की औपबंधिक जमानत मिल गई है। और अब उम्मीद यह की जा रही है कि 14 तारीख को जब उनकी पैरोल समाप्त होगी तो वह रांची आएंगे। रांची आकर वह अपनी पैरोल समाप्ति की सूचना देंगे और उसके बाद वहां से हाईकोर्ट के बेल के आधार पर बाहर निकलेंगे और अपने स्वास्थ्य का उचित इलाज कराएंगे। सूत्रों की खबर से के हवाले से जो खबर आ रही है अंजलि, वो खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मुंबई के अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की बात कही थी और इसी के आधार पर उन्होंने 12 सप्ताह का जो बेल मांगा था प्रोविजनल बेल, उसमें आज 6 सप्ताह का प्रोविजनल बेल उन्हें दे दिया गया है। अंजलि कुंदन जी, जिस तरीके से ये लगातार ये कहा जा रहा था कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है ये प्रोविजनल बेल मिलने में, और लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर झारखंड हाईकोर्ट ने ये लालू प्रसाद यादव को बेल दिया, तो मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि लालू प्रसाद यादव भी फिलहाल पेरोल पर अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो इसके बाद से उनको जेल जाना होगा या सीधे वो इलाज के लिए जहां पे भी वो जाना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव वहां जा सकते हैं? देखिए अंजलि, इसके पीछे मैं आपको दो बातें बता दूं कि पेरोल समाप्त हो रहा है उनका 14 तारीख के शाम में 4 बजे, क्योंकि कल रिम्स से देर शाम 4 बजे वह निकले थे और सीधे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंचे थे और यहां से इंडिगो की सेवा उड़ान से वह पटना पहुंचे थे। तो 14 तारीख की शाम को 4 बजे के पहले उन्हें जेल या रिम्स पहुंचकर अपनी वापसी की सूचना देनी होगी और इस वापसी की सूचना के साथ जेल अधीक्षक को हाई कोर्ट का बेल देना होगा, जमानत की कॉपी कागजात सौंपने होंगे और इसके बाद उन्हें वहां से बेल मिल जाएगा और वहां से वह बाहर निकल सकते हैं। इस बीच उम्मीद यह जताई जा रही है कि जमानत की कॉपी मिलने के बाद, हाई कोर्ट से जो जमानत मिली है उसकी कॉपी मिलने के बाद जो राजद के कार्यकर्ता हैं वह तमाम कार्रवाइयों को पूरा करके रखेंगे और लालू प्रसाद यादव 14 तारीख को 4 बजे के पहले रिम्स पहुंचते हैं। रिम्स पहुंचकर फिर वहां से वह सीधे जेल जाएंगे और जेल जाकर वहां से बेल पर बाहर आ जाएंगे। तो यह चंद घंटों की प्रक्रिया होगी और इस प्रक्रिया के बाद ही वह अपने इलाज के लिए मुंबई जा पाएंगे। और जिस तरीके की पैरोल की शर्तें हैं उन शर्तों में सबसे बड़ी बात यह है कि पैरोल के दौरान उनके ऊपर दुनिया भर की जो शर्तें लादी गई थी और कल हम अपने कार्यक्रम में भी इस बात की पूरी चर्चा कर रहे थे, तो अब ये तमाम शर्तें हैं, इन शर्तों से वह मुक्त हो जाएंगे। हालांकि 3 दिनों का जो पैरोल मिला है इस पैरोल के दौरान वो शर्तें लागू रहेंगी और उसके बाद जब जमानत पर, औपबंधिक जमानत पर वह बाहर निकलेंगे तब यह इन शर्तों में से कोई शर्त लागू नहीं होगी। अंजलि कुंदन जी, जो रिम्स में फिलहाल, क्योंकि रिम्स में भर्ती है लालू प्रसाद यादव, तो जब वो इलाज के लिए वहां से जाएंगे जहां पे वो जाना चाहता है लालू प्रसाद यादव, जैसे कहा जा रहा था कि मुंबई इलाज के लिए जाना चाहता है बेहतर इलाज के लिए, तो रिम्स प्रशासन के लोग भी उनके साथ, कुछ डॉक्टर्स मौजूद होंगे या कि अपने निजी लोगों के साथ वो इलाज के लिए जाएंगे? नहीं अंजलि, इसमें आपको बताएं कि लालू प्रसाद को प्रोविजनल बेल मिलने में जो तथ्य सबसे ज्यादा सहायक रहा है वह यह कि जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, वह जो चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के साथ सह आरोपी या सह अभियुक्त थे, वह भी अपने इलाज के नाम पर प्रोविजनल बेल के ऊपर बाहर निकले हुए हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं और इसी आधार पर लालू प्रसाद यादव को भी जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत ने बेल प्रदान किया है। और अब माना यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जब प्रोविजनल बेल के दौरान बाहर निकलेंगे अपने इलाज कराने के लिए, तो उस दौरान न उनके साथ कोई सुरक्षा कर्मी होगा और न ही कोई डॉक्टर उनके साथ मौजूद होगा। बिल्कुल कुंदन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत है एक तरीके से लालू प्रसाद यादव के लिए भी और उसके पूरे राजजड़ी कुनबे के लिए भी, क्योंकि फिलहाल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की शादी है, कल शादी होनी है, ऐसे में पेरोल पे बाहर है लालू प्रसाद यादव और 3 दिन का उनको पेरोल मिला हुआ था। तमाम शर्तें हैं कि किसी तरीके की राजनीतिक गतिविधि में लालू प्रसाद यादव शामिल नहीं हो सकते, मीडिया से बातचीत करने की भी मनाही है। ऐसे में अब पेरोल के बाद लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ी खबर है ये और बहुत खुशी की खबर है कि उनको 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल मेडिकल ग्राउंड पर झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से मिल गई है। तो चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में हाईकोर्ट ने जो जमानत याचिका खारिज की थी उसके बाद से लालू प्रसाद यादव की तरफ से प्रोविजनल बेल पिटीशन दायर की गई थी। इसमें बीमारियों के इलाज के लिए 3 महीने के प्रोविजनल बेल की मांग की गई थी। तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से 3 महीने प्रोविजनल बेल की मांग की गई थी, 6 हफ्ते का उनको प्रोविजनल बेल झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से मिला है।
मेडिकल ग्राउंड पर, मेडिकल आधार पर लालू प्रसाद यादव ने यह मांग की थी कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, हार्ट के वो मरीज हैं, लगातार उनकी तबियत में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए उन्होंने ये मांग की थी कि वो बेहतरीन संस्था में जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं। हो सकता है मुंबई के मेदांता अस्पताल में लालू प्रसाद यादव इसके लिए इलाज के लिए जाएं, क्योंकि उनका यही कहना था कि मुंबई में किसी संस्थान में इलाज के लिए जा सकते हैं। फिलहाल ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि कहां इलाज करवाएंगे लालू प्रसाद यादव, लेकिन 6 हफ्ते की जो उनको प्रोविजनल बेल मिली है उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे आरजेडी कुनबे में यह खुशी की खबर है कि लालू प्रसाद यादव अब अपना इलाज कहीं बेहतर जगह पर जाकर करा पाएंगे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि साजिश है लालू प्रसाद यादव को फंसाने की, उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है, उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष उन्होंने भी कहा था कि लालू प्रसाद यादव को जानबूझकर इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी कुनबा थोड़ा सा शांत होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा राहत आरजेडी के तमाम लोगों को होगी, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे परिजन हो, क्योंकि अब हाईकोर्ट की तरफ से मेडिकल ग्राउंड पर लालू प्रसाद यादव को 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल मिल गई है और लालू प्रसाद यादव अब जहां भी चाहें वो जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी इसी आधार पर बेल मिली हुई है, उन्होंने भी मेडिकल ग्राउंड पर पिटिशन दायर की थी बेल के लिए, और जगन्नाथ मिश्र भी इसी जो प्रोविजनल बेल है उस पर बाहर है, फिलहाल इलाज करा रहे हैं अपना, और लालू प्रसाद यादव को भी अब 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल मिल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत में ये फैसला हुआ है, झारखंड हाईकोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गई है।